अभी जल्दी से चलते हैं, हमको भी बस जाने का मन कर रहा था। तो अभी फाइनली बिल्कुल ठाकुर जी उधर के आ जाते हैं इनकी एडिटिंग में, पर इनके लिए ताली बजाओ। जय श्री कृष्ण। तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे नए ब्लॉग पे। आप देख रहे हैं संजीव ब्लॉग 04। मेरा नाम है संजीव। गाइस हम जा रहे हैं कीर्तन, और तो हम सोचा कीर्तन हम अकेला क्यों जाए, आप लोगों को भी लेके चलता है। तो हम सोचा चलो फ़ोन उठाओ और शुरू हो जाओ। तो फ़ोन मैंने लिया, कैमरा ऑन किया और शुरू। तो चलिए आप भी मेरे साथ कीर्तन पे, और आपका भी हम दिखाते हैं वहाँ का व्यू कैसा है कैसा नहीं। तो वहाँ जाने के बाद ही पता होगा, जो कि हम भी एक बार भी नहीं गया, हालांकि सामने में और हम खुद नहीं गया। तो आज हम फाइनली सोचा जाएगा, तो वही अभी हम चलते हैं। तो आप भी बने रहिए वीडियो पे, और उधर जाके पता चलेगा इंटरेस्टिंग है कि नहीं। तो अभी तो हम कुछ बोल नहीं सकते, तो बने रहिए। गाइस आपको थोड़ा बहुत आवाज़ सुनाई दे रहा होगा कीर्तन का जो गाना चल रहा है। तो अभी जल्दी से चलते हैं, हमको भी बहुत जाने का मन कर रहा था। तो अभी फाइनली हम भी निकला टाइमिंग निकाल के, तो लेट्स बिगिन। सो गाइस अभी हम लोग गेट में पहुंच चुका है। गाइस आप देख सकते हैं यहाँ का नज़ारा, जो कि हम भी खुद आ रहे हैं। पहला दिन है मेरा भी आज, और यहाँ लेफ्ट साइड में हो रहा है पूजा। तो थोड़ा भजन सुनते हैं चल के, आप भी सुनो हम भी सुनते हैं मिल बाट के। बहुत अच्छा एडिट करते हैं ये हमारे गौरव जी, इनका प्रोडक्शन हाउस वृंदावन के, बहुत सुंदर ये कैमरा का चलाते हैं और एडिट इतना अच्छा करते हैं कि ये सब बिल्कुल ठाकुर जी उधर के आ जाते हैं इनकी एडिटिंग में। एक बार इनके लिए भी ताली बजाओ। जय श्री कृष्ण। तो नंदी ने बुलाया, प्रेत भूत बैताल पिशाचिनी हाकिनी डाकिनी, जो जहाँ पर हो तुरंत आ जाए, दूल्हा तैयार है, बारात जाने वाली है। अब तो महाराज प्रेत की टोली आने लगी। अब कोई साउथ अफ्रीका के काले वाले भूत, कोई नेपाल के छोटे छोटे कद वाले भूत, तो कोई साउथ कोरिया के चिनचोंग वाले भूत, तो कोई नागालैंड से भूत। अब सारे बड़े बड़े नेशनल भूत, इंटरनेशनल भूत सारे प्रकट हो गए। आज इलेक्शन का टाइम था, तो नागालैंड की सरकार के कुछ राजनीतिक भूत भी पहुंच गए थे। बोले श्री कृष्ण, तो भूत प्रकट हो गए, बोले चले बरात, बोले चलो। तो गोस्वामी ने जब ये देखा तो उसे तो लिख दिया, जस दुल्हा तस बनी। तो पूरी जो दुनिया है इसमें वाटर ही था, जल। पृथ्वी का कोई अता पता नहीं था, ब्रह्मांड की रचना नहीं हुई थी। तो भगवान नारायण ने सोचा कि मैं एक से अनेक हो जाऊं, तो भगवान ने क्या किया, अपनी भगवान की नाभि से कमल की उत्पत्ति हुई, और उस कमल पर एक ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। अब ब्रह्मा जी ने सोचा कि मेरे पिता को नहीं पता लगाया जाए, तो बार बार कमल लाल पर ऊपर गाइस फाइनली अभी हम घर आ चुका है, और आपको हम वीडियो टू देखा चुका है। तो कैसा लगा आपको कीर्तन कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और एक बात बोलना है, आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, दिल से बुरा लगता है। और जो भी सब्सक्राइब करते हो फिर अनसब्सक्राइब कर दे, पता नहीं क्यों अनसब्सक्राइब करते और अनसब्सक्राइब करते क्यों है, वो एक बार कमेंट कर दो कि ये तुम्हारा वीडियो ये अच्छा नहीं लगता, वो अच्छा नहीं लगता, कुछ मतलब अच्छा नहीं लगता, कमेंट कर दे अच्छा नहीं लगता उसको
इंक्रीज करेगा ना भाई, हम तो पहले वीडियो में भी बोल चुका है, और वो वीडियो नहीं देगा तो ऊपर हम आई बटन को लिंक दे देगा, आप देख लीजिएगा। और हम अभी भी बोल रहे हैं आपको मेरे वीडियो में क्या कमी लगता है वो आप कमेंट करके हमको बताइए, हम उसको पूरा कोशिश करेगा इंक्रीज करने का, सुधार करने का, जो भी बोलो हम बेटर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको कमेंट नहीं करेगा तो हमको कैसे पता चलेगा, बट हम पूरा ट्राई करें अपना तरफ से कि मेरा वीडियो अच्छा हो। तो अभी वीडियो यहीं तक रखता है, और अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और एक बात बोलना था, तो कीर्तन में हम किया था तो बहुत अच्छा लगा, अगर आप लोग आसपास भी कीर्तन हो रहा हो तो आप भी जाके इसको बैठिए सुनिए, तो आपको भी मजा आएगा, मेरा गारंटी है। तो वीडियो यहीं तक रखता है, अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पर इसी तरह की मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, इन्जॉय।